Hello everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will continue with our exercise that is 3.2 chapter matrices class 12. So last video में हमने complete किए थे 12 questions तक. हमने last video में 1 to 12 complete questions complete कर दिए थे and today we will start from 13th question. तो अगर अभी तक आपने 3.2 का introduction part नहीं देखा है so I will provide you video link in description box and comment section. So पहले वो पार्ट देख के आओ, तभी अगर basics clear होएंगे तभी आगे move करने का फायदा है. Clear? So now let's start with our 13th sum. So now let's read out the question. If fx is equal to this matrix, show that fx into fy is equal to fx plus y. So सबसे पहले यहाँ पे देखो कि fx जब हमने यहाँ पे x put किया यहाँ पे सारी जगह पे x आ गया. So, fy की वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहाँ पे y पुट कर देंगे, यहाँ पे इसकी जगह y पुट कर देंगे तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? y आ जाएगा. So, cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1. चीज क्लियर हुई? क्या किया है यहाँ पे? x था तो यहाँ पे सभी जगह पे x आ गया, यहाँ पे y हो गया सभी जगह पे y आ गया. अब हमें क्या शो करना है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लीकेशन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारी क्या है? एफ एक्स इंटू एक्स वाई, मतलब एफ वाई. सो लिखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 1 0 0. इतना क्लियर हुआ? यहां तक तो कुछ भी नहीं था. क्या करना है? इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था लास्ट पार्ट में, 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये बात सीख ली थी कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करना है. फर्स्टली फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. सेकंड मैट्रिक्स में हमें क्या करना है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. फिर क्या करना है? ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन इन तीनों के साथ, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट का प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ. फिर नेक्स्ट पे जाओ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ थर्ड को थर्ड के साथ. फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर ऐसे इनको भी तीनों के साथ, इनको भी तीनों के साथ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एट फास्ट. सो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, देन माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस करना था वैसे तो, पर यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. सो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, देन जीरो इंटू जीरो इज जीरो. नेक्स्ट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा. माइनस यहाँ पे माइनस है, सो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा. एंड प्लस जीरो इंटू जीरो इज जीरो, उसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं है. एंड नेक्स्ट इज कॉस इंटू जीरो इज जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो. नेक्स्ट साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई. नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? जीरो इंटू जीरो इज जीरो, वैसे इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट इसको सेकंड पे भेजो, साइन एक्स इंटू साइन वाई इज माइनस साइन एक्स साइन वाई, देन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, देन जीरो इंटू जीरो इज जीरो, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है. थर्ड पे आ जाओ इस पे, सो साइन एक्स इंटू जीरो इज जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो, सो यहाँ पे जीरो आ जाओ. नेक्स्ट अब ये तो सिंपल ही है, जीरो इंटू जीरो इज जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो इज जीरो प्लस वन इंटू जीरो इज जीरो, सो ऐसे ही यहाँ पे जीरो जीरो एंड जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो एंड वन, सो ये वन हो जाएगा. अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज होंगे, हमारे ये चार फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री साथ नहीं छोड़ेगी. प्लस वन में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज किए थे ना, वही यहाँ पे यूज होंगे. अगर वो फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो ये चार फॉर्मूलाज लर्न कर लो इस क्वेश्चन को एक बारी करने के लिए, बाद में तो आपको सारे लर्न करने ही पड़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या हो गया? कॉस एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला लग गया थर्ड वाला. या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, सो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, सो ये वाला फॉर्मूला लग गया साइन एक्स प्लस वाई. यहाँ पे तो क्या आ गया? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरो. नाउ यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा? ये कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई. क्लियर? सो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा ये.
सो इस पे भी हमारी फर्स्ट वाली लग गई दैट साइन एक्स प्लस वाई। बस इसमें फर्क इतना हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे y हो गया और b इज इक्वल टू x हो गया, जिसके कारण हमारी यही वाली आइडेंटिटी लग गई। इसको ध्यान से सोचना। सो यहाँ पे क्या हो गया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे x है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सो cos x इंटू कॉस वाई ये वाला आ जाएगा cos x प्लस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 1। हमारा ये आ गया, ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा देखो, राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे सभी जगह x आ गया। यहाँ पे अगर x प्लस वाई है, यहाँ पे अगर x प्लस वाई है तो सभी जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई। सो लगाओ सभी जगह पे x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, ये तो 0 0 1 0 0 ये तो ऐसे रहेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई से आ गया ये। सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा शो हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रॉम 14th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन क्यों कराए, क्योंकि कई बच्चों को बाकी सारे क्वेश्चन आते होते हैं, इस एक ही क्वेश्चन में एक डाउट होता है। सो उनको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, मतलब 3.2 की अगर मैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराती तो उनको पूरी वीडियो में एक क्वेश्चन ना छांटना पड़े, जिसके कारण मैंने आपको ये एक सम की अलग से वीडियो बना दी। ज्यादातर बच्चों को 13 क्वेश्चन में डाउट होता ही होता है, मतलब थोड़ा बहुत डाउट होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना दी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। सो आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाए। ओके बाय बाय।